Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue unit 3 points of view. In my last year I had completed activity 9. So let me start activity 10. Activity 10. Notice that the poem The Blind Man and the Elephant by John Godfrey Saxe has the same structure as Chaos Prevails as a Traffic Rules Go for Toss by Jatin Singh. Remember that we use the word structure to talk about the sequence of idea. ये जो poem है उसमें आप notice करो द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट इसके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है जो जॉन गॉडफ्रे सैक्स ने लिखा है उसका सेम स्ट्रक्चर केओस प्रिवेल्स एज ए ट्रैफिक रूल्स गो फॉर अ टॉस बाय जतिन सिंह उसके जैसा ही प्लान बिल्कुल उसके बताया गया है ऐसा ही प्लान इसमें बताया है जतिन सिंह ने जो ये जो आर्टिकल्स लिखा है और पोयम जॉन गॉडफ्रे की जो पोयम है ये दोनों में स्ट्रक्चर कैसा है सेम है We use the word structure to talk about the sequence of idea. हम याद रखना कि हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो क्या बताता है टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ आइडिया जो विचार है उसको सीक्वेंस में रखने की बात की गई है स्ट्रक्चर ऑल्सो डिस्क्राइब how the main ideas is connected all the other ideas in a story article or poem structure bhi kya describe karta hai jo main vichar hai how the main ideas is connected jo main vichar hai wo kaise connect hota hai kisse All other ideas in a story. जो story बनाई है उसमें दूसरे जो story के जो विचार है idea है उसको कैसे connect होता है वो structure में main idea को connect करते हुए बताते हैं Structure describe the way ideas or sequence and connected to each other and to the whole. Structure जो विचारों का तरीका है उसको सीक्वेंस में रखता है और दूसरे विचारों से कनेक्ट रहता है और मेन जो स्टोरी होती है उसको कनेक्ट रहता है पूरी तरह से कनेक्ट रहता है तो स्ट्रक्चर क्या है व्हाट इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब कोई भी चीज को बनाने के लिए जो यूज किए सभी तत्व तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर इज द वे दैट द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर पुट टूगेदर टू मेक अ होल मतलब कोई चीज को पूरी बनाने के लिए कोई चीज को पूरी बनाने के लिए अलग अलग तरीके से कोई चीज के अलग अलग पार्ट को सीक्वेंस में करना मतलब टूगेदर करना उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर इन राइटिंग और राइटिंग में स्ट्रक्चर क्या है We talk about the structure to describe the sequence of idea. हमारे जो आइडिया है विचार है उसको सीक्वेंस में रखना उसको स्ट्रक्चर के मुताबिक बोलते हैं स्ट्रक्चर है And how those ideas are connected to each other and to main idea. और वो जो विचार है वो दूसरे विचार को कैसे कनेक्ट होते हैं और मेन विचार को भी कनेक्ट होता है Writers can use the same structure to express many different ideas. जो लेखक होते हैं राइटर वो
भी स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। किस लिए? बहुत सारे विचारों को, अलग अलग विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, अलग अलग विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए वो स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। नोटिसिंग द स्ट्रक्चर दैट सोर्सेस यूज कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर ओन आइडिया। नोटिसिंग द स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर को नोटिस करके, नोटिसिंग द स्ट्रक्चर डेट सोर्सेज मतलब जो सोर्सेज होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर है उसको नोटिस करके हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर ओन आइडिया, वो आपके विचारों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं, आपके विचारों को ऑर्गेनाइज करने में वो मदद कर सकता है। तो थिंक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ जतिन सिंह आइडिया। तो आप जतिन सिंह ने जो आर्टिकल दिया है उसके विचारों के बारे में आप उसकी सीक्वेंस को आप देखो, उसके बारे में सोचो। ही पुट मेन आइडिया एट द एंड ऑफ केओस प्रिवेल्स एट ट्रैफिक रूल्स। उसने विचारों को कहाँ पे रखा है? एंड ऑफ केओस प्रिवेल्स एट द ट्रैफिक रूल्स, गो फॉर अ टॉस। गो फॉर टॉस मतलब नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उसने अपने विचारों को रखा है कि ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर किया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, कैओटिक सिचुएशन हो जाती है। तो वो क्या होता है, रूल्स का कोई पालन करता नहीं है, तो उसके जो रूल्स है वो प्रॉपरली वर्किंग करते हैं नहीं है, वो यहाँ पे बताया है। एंड यूज क्वोटेशन शोइंग अदर प्रॉप्ट आइडियाज टू एक्सप्रेस हिज मेन आइडिया। उस अपने मेन आइडिया को अभिव्यक्त करने के लिए उसने ये बताया, क्वोटेशन में उनके लिए क्वोटेशन यूज किया है। क्या किया है? क्वोटेशन यूज किया है। द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट बाय जॉन गॉडफ्रे सेड ऑल्सो पुट्स द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर एट द एंड एंड ऑल्सो यूजेस अदर पीपल्स आइडियाज टू हेल्प एक्सप्रेस द अदर्स मेन आइडिया। ये जो पोयम है जो गॉडफ्रे सेक्स ने लिखा है, पोयम ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, जो सिक्स ब्लाइंड मैन के मैंने आपको पहले भी बताया, जिस पोयम वो पोयम उसमें भी अपने मेन विचारों को उसने रखा है एंड में उसके जो मेन कहने का जो विचार है उसने एंड में रखा है, और जो लोगों के विचार है उसको भी ऑथर के मेन विचारों से उसकी हेल्प मिलती है। ऑथर के मेन विचारों को, लोगों के विचारों को, दूसरों के विचारों को भी हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 10। तो एक्टिविटी 10 में आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर के बारे में। और एक्टिविटी 11 में देखो, खास जरूरी ये है मैचिंग। सो लेट मी सी मैचिंग, हम मैचिंग देखते हैं। मैच द वर्ड्स इन ए विथ देयर मीनिंग्स इन बी। देखो ए साइड में आपको क्या मिलेंगे, ए साइड में आपको वर्ड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, शब्द, और उसके मीनिंग है वो बी में क्या दिया, उसके मीनिंग। सो यू हैव टू मैच, आपको क्या करना है, मैचिंग करना है ए से बी। स्टर्डी मतलब स्ट्रांग होता है, क्या होता है, स्ट्रांग या टफ होता है, तो यहाँ पे टफ दिया है, तो स्टर्डी मतलब क्या होता है, टफ। सेकंड बॉल मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पोएम में बताया था मैंने, शाउट चिल्लाना, बराबर है। और तीसरा दिया है बीस्ट, बीस्ट मतलब मालूम है एनिमल होता है, क्या होता है, एनिमल होता है, तो एनिमल कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एच पे एनिमल होता है। फिर बाद में आपको बताया था मैंने कोट,
फोर्थ नंबर आपको कौन बताया था, कहना, सेल क्या होता है, सेल होता है। और फाइव नंबर है स्पैक, आपको बताया था मैंने पोएम में, स्पैक बोलना और पुरानी इंग्लिश का शब्द है, तो फाइव नंबर स्पैक। और सिक्स नंबर है स्क्रीमिंग, क्या है, सिक्स नंबर में है स्क्रीमिंग। तो आपको बताया था मैंने कौन सी मोशन, हाँ इन और ट्विस्टिंग मोशन। विन, विन शब्द भी पोएम में आया था, सेवन नंबर विम, विम मतलब सोचना, क्या होता है विम नंबर, विम मतलब सोचना, इट मीन्स थिंक। और एट नंबर में क्या दिया है, प्रैट, तो प्रैट मतलब ज़्यादा बातें करना, टॉक टू मच उसको बोलते हैं प्रैट। और वंडरस, वंडरस मतलब होता है अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ग्रुप, ग्रुप ग्रुप का मतलब क्या होता है दोस्तों, फंबल, एक ही बचा है, फंबल मतलब फंभोशना, खोजना, सर्चिंग करना। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 11 ऑल्सो। दूसरा मैचिंग भी दिया है idioms, और बी में देखो इसका मीनिंग दिया है, मैच द फॉलोइंग। तो idiom मतलब क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डैट हैव अ स्पेशल मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड्स, इंडिविजुअल्स से थोड़ा अलग सब उसका अर्थ होता है, उसको बोलते हैं idiom, मुहावरा। क्वोटेशन मार्क्स किसको बोलते हैं, तो सौ एग्जैक्ट वर्ड्स रिटन इन टेक्स्ट, जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा है वो बताता है। और एग्जैक्ट वर्ड्स दैट पीपल स्पीक, या तो लोग जो शब्द बोलते वही का वही बताते हैं, उसको बोलते हैं क्वोटेशन मार्क। पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू किसको बोलते हैं, तो इन्फ्लुएंस बाय योर एक्सपीरियंस, पॉइंट्स ऑफ व्यू इज इन्फ्लुएंस बाय योर एक्सपीरियंस, मतलब तुम्हारे खुद के अनुभव को वो असर करता है। स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पहले ही अभी बताया स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इज द वे आइडियाज आर सीक्वेंस एंड कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू द होल। आइडिया इज द वे, क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीका है। स्ट्रक्चर इज द वे आइडियाज आर सीक्वेंस, आइडिया को क्या कहते हैं, सीक्वेंस में, एंड कनेक्टेड टू ईच अदर, और एक दूसरे के कनेक्टेड होता है और पूरे विचारों से कनेक्ट होता है। पैराफ्रेज, द राइटर एक्यूरेटली एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ सोर्स इन हर ओन वर्ड, राइटर खुद एक्यूरेटली अपना आइडिया को अभिव्यक्त करता है खुद के शब्दों में, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पैराफ्रेज। एलिप्स, एलिप्स मतलब होता है व्हेन, यूज्ड व्हेन डिलीट समथिंग दैट यू फील इज नॉट नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड कोटेशन, मीनिंग ऑफ कोटेशन। जब कोई चीज़ को डिलीट करते हैं जो जरूरी नहीं है समझने में लिए, जरूरी नहीं है कोई मीनिंग और कोटेशन, तब इसके बदले में हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एलिप्स। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 3, 11 ऑल्सो एंड चैप्टर 11 ऑल्सो कंप्लीटेड। राइटिंग सेक्शन, इन राइटिंग सेक्शन यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट राइटिंग सेक्शन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।